foodies, how are you? I hope you are fine. I am Samina. And I am Zoya. Welcome back to Alhamdulillah Kitchen. Before watching further, don't forget to give a big thumbs up and subscribe to our channel for latest updates. Let's start the video. Assalamu alaikum. ये देखिए, मैंने एक तुअर की दाल भिगो के रखी थी, ये इसमें डाल दी है कुकर में। अब यहाँ पे मैंने एक प्याज बड़ी काट के ली है और एक टमाटर लिया है काट के। इसमें एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूँगी मैं इसमें, और थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे हसबे जायका, और इस कुकर को हम बंद करके इसकी 2 से 3 सीटी लेंगे। इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा दाल में पकने के लिए। अब यहाँ पे मैं इसको हिला देती हूँ थोड़ा, और ये देखिए मैंने थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च थी वो इसमें डाल दी, और कुकर की हम 2-3। मैंने एक घर पे बनाया हुआ इडली का आटा लिया है, इसमें 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी कोथमीर और 1.5 चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर दूँ। ये मैंने इडली का आटा घर पे ही बनाया है चावल और उड़द की दाल डाल के। थोड़ा सा इसमें हम खाने का सोडा भी ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे ये सब मैंने 5 मिनट तक रख दिया था बैटर। उसके बाद ये जो बर्तन है इडली के, इन पर तेल लगा कर इसमें इडली का जो बैटर है बनाया हुआ ये थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। अब ये देखिए हम इसमें स्टीम होने, इडली स्टीम हो रही है। यहाँ पे मैंने एक बाउल में पानी रख दिया गर्म होने के लिए। थोड़े ये जो मैंने शेवगे लिए हैं, शेवगे की जो फली होती है इसको कट करके लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसको बॉईल होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे हमारी इडली बनके तैयार है, देखिए माशाल्लाह बन चुकी है। अब यहाँ पर कुकर हम खोल के देख लेते हैं, दाल भी माशाल्लाह से गल चुकी है। अब इसको हम चम्मच की मदद से हिलाते हुए अच्छे से देख लेंगे, दाल अच्छे से गल चुकी है, सॉफ्ट हो गई है। मैं अभी गैस बंद कर देती हूँ। अब ये जो दाल घुटनी की मदद से हम इसको थोड़ा सा घोट के लेंगे, मैं इसमें पानी थोड़ा ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने एवरेस्ट का मसाला लिया है, सांभर मसाला, इसको पानी में हम अच्छे से घोल लेंगे। और ये जो घोल मैंने बना के लिया है इसको बिना गांठ नहीं आने देंगे, इसमें गांठें ना बनने दे। अब इसको दाल में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं और दाल को थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही। अब ये जो ड्रम स्टिक है, मतलब हमारे जो शेवगे की फली है, ये अच्छे से बॉयल हो चुकी है, ये इसमें हम ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने इमली का पानी थोड़ा सा बना के लिया था, इमली और गुड़ का, वो इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको तड़का देने के लिए मैंने पैन रख दिया है, ऑयल गरम हो चुका है। इसमें मैंने कुछ लहसुन डाले हैं और थोड़े से मेथी दाना होता है वो इसमें डाला है। अब यहाँ पे थोड़ी जीरा मोरी डाल दी है। अब यहाँ पे मैं थोड़े से करी लीव्स होते हैं, थोड़ी सी हींग ऐड कर दी है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम कड़ी पत्ता इसमें ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। और ये फ्राई किया हुआ इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च सूखी वाली ऐड करके इसको भी फ्राई करके लेते हैं। ये देखिए हमारा तड़का बनके तैयार है। अब हम इसको सांभर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ पे हमारा सांभर देखिए बॉईल हो रहा है, माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इसको अच्छे से को हम अच्छे से हिला लेते हैं। माशाल्लाह हमारा सांभर बनके तैयार है। अब इसमें थोड़ी सी कोथमीर से गार्निशिंग कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक मिक्सी के जार में नारियल डाल दिए हैं, उसमें 2 हरी मिर्च, कुछ लहसुन के टुकड़े, नमक स्वाद अनुसार और आधा नींबू और थोड़ी सी कोथमीर इसमें डाल के इसको ग्राइंड करके लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह चटनी बन के तैयार है। इसको तड़का देंगे ऊपर से ज़ीरा, कड़ी पत्ता और मिर्चियों का। अब ये देखिए मैंने आप सबके लिए डिश आउट किया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नई नई रेसिपीज के लिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।